राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बारिश के बाद प्रभु श्री राम के मंदिर के आंतरिक परिसर में जल भराव की स्थितियों से निपटने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले नए तकनीकी बदलावों के साथ राम मंदिर के साथ ही अयोध्या में जल भराव की स्थिति के संदर्भ में सबसे एक्सक्लूसिव एवं नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करूंगा। नित्य नए परिधानों एवं बेहद सुंदर आभूषणों से सुसज्जित प्रभु श्री रामलला की दिव्यतम आरती का आज प्रातः का यह अद्भुत अलौकिक परिदृश्य है। और श्रृंगार आरती में प्रभु श्री रामलला को इतने सुंदर ढंग से सजाया जाता है कि यहाँ पर मौजूद सभी राम भक्तों का हृदय भाव विभोर एवं मनमोहित हो उठता है। और प्रभु श्री रामलला की दिव्य दर्शन प्राप्त करते ही उनके कष्ट भी कुछ क्षण के लिए अवश्य ही दूर हो जाते हैं। प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति से परिपूर्ण इस चैनल में प्रभु श्री राम की दिव्यतम आत्मा का वास है। और जहाँ आत्मा का वास होता है वहाँ परमात्मा की अपार कृपा दृष्टि अवश्य प्राप्त होती है। अतः इस चैनल से पूरी आत्मीयता एवं सच्चे हृदय से जुड़ें एवं पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। सामने आप देख सकते हैं कि यह श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाली पहली बारिश का सबसे लेटेस्ट वीडियो है, जो कि आपको कहीं भी अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर भीषण गर्मी के बाद परिसर में बारिश होने से यहाँ पर श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक राहत महसूस होती होगी। राम मंदिर के सबसे उत्तरी परिक्षेत्र में आप यहां सामने देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला का दर्शन करने इस भीषण बारिश में भी राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। और भीगे वस्त्रों में वे प्रभु श्री रामलला का दिव्य गुणगान भी कर रहे हैं, क्योंकि 49 डिग्री के तापमान के बाद ऐसी बारिश श्रद्धालुओं को काफ़ी अधिक राहत महसूस करा रही होगी। सामने आप देख सकते हैं कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में भारी बारिश के कारण आंतरिक परिक्षेत्र में अनेक स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इसका सबसे बड़ा जो कुप्रभाव है वह गर्भगृह परिसर में देखा गया, क्योंकि यहां पर भारी बारिश के बाद सुबह के समय गर्भगृह के परिक्षेत्र में जलभराव की स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पर लगी हुई जो पाइपें हैं उनके माध्यम से जल गर्भगृह के आंतरिक परिसर में पहुँच गया, जिसके कारण से सुबह की मंगला आरती में काफ़ी अधिक व्यवधान उत्पन्न हुआ एवं टॉर्च की रोशनी में आरती कार्यों को संपन्न किया गया। और यह अत्यंत असहज स्थिति थी, क्योंकि राम जन्मभूमि के गर्भगृह परिसर में नाली की व्यवस्था न होने के कारण यहां पर जल निकासी के लिए बाल्टियों से भर करके जल को निकाला गया। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर के जहाँ CCTV कैमरे लगे हैं इसके ठीक बगल में जल रिसाव दिख रहा होगा। यहाँ पर गीले स्रोत से जल राम जन्मभूमि परिसर के आंतरिक परिक्षेत्र में तेजी से गिर रहा है। और इसके लिए जो सबसे अधिक उत्तरदायी है वह छत निर्माण की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अभी तक प्लास्टिक कोटिंग नहीं की गई थी। और ऐसे में अचानक बारिश होने के कारण यहाँ पर जो भी पाइपें वायरिंग कार्यों के लिए लगी थी उनके माध्यम से यहाँ पर जल परिसर में अंदर प्रवेश करने लगा, क्योंकि वर्तमान में दर्शन कार्य भी लगातार चल रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में निर्माण कार्यों का साथ साथ होना काफ़ी अधिक असहज स्थिति उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि निर्माण कार्यों में अभी तक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और इसमें काफ़ी अधिक समय लगता है। और छत निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही इस पर प्लास्टिक कोटिंग की जा सकेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में 2 शिखरों के निर्माण कार्य अंतिम अवस्था में चल रहे हैं। अतः ऐसे में अचानक से
प्लास्टिक कोटिंग करना बरसात के दिनों में काफ़ी अधिक कठिन होगा और यदि मौसम शुष्क होता है तो इस पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था तेजी से कर दी जाएगी। और गर्भगृह परिसर में जो जल्द गिरने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यहाँ पर परिसर के चारों ओर गड्ढे नुमा संरचना है जिसके चारों ओर पिलर खड़े किए गए हैं, अतः बारिश की स्थिति में यहाँ पर जल के जमाव की स्थिति होने से परिसर में सीधे जल प्रवेश कर रहा है। लेकिन गर्भगृह परिसर में यहाँ पर सूर्याभिषेक के लिए कुछ छिद्र किए गए थे और इन छिद्रों के माध्यम से लेंसों को गुजार करके यहाँ पर सूर्याभिषेक की प्रक्रिया रामनवमी के दौरान की गई, लेकिन शायद इनके होल्स ढके नहीं जा सके, इस कारण से भी जल रिसाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में जल भराव की स्थिति होने पर राम मंदिर के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी ने इसका खुलासा किया और उन्होंने बताया कि गर्भगृह का परिक्षेत्र जल से परिपूर्ण हो चुका था और कई स्थानों पर तेजी से पानी टपक रहा था और उन्होंने संपूर्ण बातें विस्तार से बताईं कि किस प्रकार से निर्माण में काफ़ी अधिक खामियां हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह आधे अधूरे मंदिर को लेकर की गई थी और जिस कारण से दर्शन एवं निर्माण कार्य साथ साथ चलने से यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया भी काफ़ी अधिक बाधित हुई है। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। भव्यता का प्रतिमान गढ़ने वाले नवनिर्मित प्रभु श्री राम के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला पर बरसात का पानी टपकने की खबरें गहमा गहमी पैदा करने वाली रहीं और मीडिया से साझा की गई यह तस्वीरें काफ़ी अधिक चिंताजनक हैं और देश भर में चर्चा का विषय हैं। और ऐसे में जहां यह चिंता राम भक्तों को व्यथित करने वाली थी, वहीं इस शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से स्पष्टीकरण में भक्तों को यह व्यथा दूर करने के लिए प्रयत्न किया गया और गर्भगृह की छत टपकने की समस्या पर सबसे पहले ट्रस्ट के सदस्य राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेन मिश्र जी ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि पानी टपकने की बातें पूर्णतया निराधार हैं और उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति करोड़ों राम भक्तों की आश्वस्त करना चाहती है कि मंदिर निर्माण में कोई भी खामी नहीं बरती गई है और न ही इसमें कोई भी लापरवाही की गई है। हाँ, यह संभव है कि मंदिर के द्वितीय तल पर गूढ़ मंडप का निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है और उसका शिखर अभी तक पूरी तरीके से निर्मित न होने पर पानी की कुछ छींटें भूतल परिसर में आ सकती हैं, लेकिन पानी टपकने के बाद पूर्णतया निराधार है। निर्माण समिति के अध्यक्ष ने यह भी सफाई दी कि भक्तों को भगवान तक जल ले जाने की अनुमति ही नहीं है और गर्भगृह में जब भगवान का अभिषेक स्नान व आचमन होता है तो पुजारी उसके कपड़े साफ करते रहते हैं और वहां विग्रह के पास ढाल भी बनाया गया है ताकि जल को वहां पर पोंछ दिया जाए। और जब निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई तो इसमें यह भी पक्ष रखा गया कि अभी वर्तमान में प्रथम तल पर फर्श का निर्माण कार्य कुछ बाकी है और बिजली की वायरिंग के भी कार्य अनेक स्थानों पर किए जाने हैं जिसके लिए पत्थरों में ड्रिलिंग करनी पड़ रही है और इस कारण से यहाँ पर होल से जल निकास होकर के परिसर में प्रवेश करता है। यद्यपि यह समस्या तत्कालिक है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। सामने आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर के भव्य रेलवे स्टेशन का यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है और यह रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है, लेकिन एक बारिश के बाद ही यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा सी गई है और यहाँ पर बनी हुई नवनिर्मित बाउंड्री पूरी तरीके से ढह गई, जो कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी एवं विकास प्राधिकरण पर बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 महीने पहले बनी यह बाउंड्री इतनी जल्दी कैसे ढह गई और यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था न होने से इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा, जो कि देश भर में चर्चा का विषय है। और यहाँ पर रामपथ मार्ग पर भी
अनेक प्रकार के होल्स एवं दरारें भी दिखाई पड़ी, जिससे श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और यदि निर्माण की गुणवत्ता इसी प्रकार की होगी तो अयोध्या को किस प्रकार से आप पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करेंगे, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब अयोध्या प्रशासन को देना चाहिए। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर में बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव की स्थितियों से निपटने के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा मंदिर में किए गए व्यापक तकनीकी बदलावों के संदर्भ में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।